हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फोर्थ यूनिट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा शिफ्ट रजिस्टर। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर लिख दिया हूँ, क्लियर। और अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है ऐसे शिफ्ट रजिस्टर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ क्या है इसके आगे ऐसे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक, तो ये लाइन क्यों आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे अभी कुछ देर में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये खुद क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये लाइन लिखा गया। बात समझ में आया, क्या पढ़ेंगे हम लोग, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे। आगे ये लाइन क्यों लिखे, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इस वजह से उसको मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ। अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो जब शिफ्ट रजिस्टर आप समझेंगे तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। ओके, अब देखिए शिफ्ट रजिस्टर में एक वर्ड लगा हुआ है, ये क्या आपका रजिस्टर है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग शिफ्ट रजिस्टर को समझेंगे, पहले रजिस्टर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो उसको एक रजिस्टर में क्या करते होंगे, नोट करते होंगे। ठीक, रजिस्टर में नोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी है, डिजिटल सिस्टम में भी है, जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो डेटा रहेगा, उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर द्वारा स्टोर किया जाएगा। जैसे आप अपने रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। क्लियर, अब देखिए आप अपने कॉपी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किए हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड मांगा तो उसको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी तरीके से टेलीग्राम वगैरह पे कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर किए थे उसको अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, जो रजिस्टर है ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा और साथ साथ क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र करने का भी क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर, अब देखिए रजिस्टर बनेगा कैसे, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए पीछे अभी हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक, तो वहाँ फ्लिप फ्लॉप क्या करता था, हम लोग देखे थे कि जो फ्लिप फ्लॉप था वो एक सिंगल बिट डेटा को स्टोर करता था, या तो वन को या तो जीरो को क्या करता था, स्टोर करता था। ठीक, और रजिस्टर भी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग क्या कर लें, कई सारे फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन ले लें, कई सारे फ्लिप फ्लॉप का सेट ले लें, कई सारे फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप ले लें, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का रजिस्टर तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया, जैसे आपके कॉपी में या सिंपली कहिए जिस रजिस्टर पे आप नोट्स बना रहे हैं उसका अगर एक सिंगल पेज को हम एक फ्लिप फ्लॉप माने तो कई सारे पेज को मिला के आपका क्या बना, रजिस्टर बना है। इसका मतलब क्या होगा, कई सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला के क्या होगा, रजिस्टर बनेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को ऐसे क्या करना है, 4 बिट का डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक, तो क्या होगा, देखिए यह क्या हो जाएगा, यहां पर जो है ये जीरो है, इसके लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेंगे। ठीक, इस वन के लिए फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेंगे, इस जीरो के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, और इसके लिए क्या करेंगे, एक फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे जब कई सारे फ्लिप फ्लॉप को आपस में कंबाइन कर देंगे तो जो चीज़ें तैयार होंगी, मतलब जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। ठीक, अब देखिए आपके कॉपी में अगर एक पेज है तब भी क्या होगा, कॉपी कहलाएगा। सिंपली ऐसे समझिए, आपके कॉपी में अगर क्या है, एक या ऐसे कहीं आपके रजिस्टर में जिसमें नोट्स बना रहे हैं, अगर एक पेज है तब भी रजिस्टर कहलाएगा, 10 पेज है तब भी रजिस्टर कहलाएगा, और 100 पेज है तब भी रजिस्टर कहलाएगा। ठीक, तो वैसे ही अगर एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप है तो ये भी क्या कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है, जिसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप है जिसको भी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप है जिसको भी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, 4 है तो उसको भी, 5 है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर है चीज़, बात समझ रहे ना। तो सिंपली क्या होगा, जो रजिस्टर होगा वो फ्लिप फ्लॉप को मिला के बनेगा। ठीक, एक फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर कहा जा सकता है, एक फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो उसको सिंपली 1 बिट रजिस्टर कर देंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करके रजिस्टर बनाएंगे तो उसको 2 बिट क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, रजिस्टर को बनाया जाता है फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए। जैसे आप जिस रजिस्टर पर लिख रहे हैं उस रजिस्टर क्या, कई सारे पेज को मिला के बनाया गया है, जिससे आप ढेर सारा इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ढेर सारे लेक्चर क्या करेंगे उस पर आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे ही जैसे हम लोग का डेटा है, जितने बिट का डेटा है उतने बिट, उतने नंबर आप क्या करेंगे, हम लोग फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर लेंगे, और क्या करेगा वो फ्लिप फ्लॉप, डेटा को स्टोर करेगा। तो डेटा को स्टोर करना मतलब उसको हम लोग रजिस्टर नाम दे देंगे, जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा उसको हम लोग रजिस्टर नाम दे देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 बिट डेटा स्टोर करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ रही है, अगर 2 बिट डेटा स्टोर करना पड़ता है तो क्या होता, 2 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती। इसका ना हम लोग यहाँ से देख क्या रहे हैं, जितने नंबर आप डेटा है उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ रही है। ठीक, ये चीज भी क्लियर। अब देखिए जो लिखा गया है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे। ओके,
तो देखिए क्या लिखे हैं, रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया है। लिखे हैं कि रजिस्टर इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एफ एफ एस मतलब फ्लिप फ्लॉप्स, ओके, यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा। जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, सेट होता है। सेट लिख सकते हैं आप, ग्रुप लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो रजिस्टर क्या होगा, सेट होगा किसका, फ्लिप फ्लॉप का, जो क्यों यूज किया जाता है, यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा। जो बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चूंकि डिजिटल सिस्टम में डेटा तो बाइनरी है ना, इन्फॉर्मेशन तो बाइनरी है, इस वजह से बाइनरी डेटा लिखा गया है, क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखा गया है, द सिंपलेस्ट रजिस्टर इज अ सिंगल फ्लिप फ्लॉप विच स्टोर आइदर जीरो आर वन, दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप इज अ वन बिट रजिस्टर, ठीक। अब देखिए क्या लिखा गया है कि जो सबसे सिंपलेस्ट रजिस्टर है वो क्या है, सिंगल फ्लिप फ्लॉप है, जो क्या करता है, या तो जीरो या तो वन को स्टोर करता है, मतलब वन बिट डेटा को स्टोर करेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अब फ्लिप फ्लॉप इज अ वन बिट रजिस्टर। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, वन बिट रजिस्टर होगा। जैसे बताया ना, पेज का एग्जांपल लिए ना, अगर आपके कॉपी में एक पेज है तब भी क्या होगा, वो रजिस्टर कहलाएगा, दस पेज है तब भी रजिस्टर कहलाएगा, ठीक। तो वही क्या है, अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो उसको भी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, दो है तो उसको भी, तीन है तो उसको भी, ठीक, क्लियर चीज, ओके। अब देखिए क्या लिखे हैं, द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर इन अ रजिस्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इट कंटेंस, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, कितने बिट का इंफॉर्मेशन रजिस्टर में स्टोर हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि रजिस्टर कितने फ्लिप फ्लॉप को कंटेन किया, मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप को मिला के बना है, ठीक। जैसे यहाँ पर चार फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब क्या होगा, ये रजिस्टर चार बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। यहाँ दो फ्लिप फ्लॉप को मिलाकर रजिस्टर बनाया, इसका मतलब क्या होगा, ये आपके दो बिट इंफॉर्मेशन को रजिस्टर क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक। तो देखिए जब चार बिट है तो चार फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ रही है, दो बिट है तो दो फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सो फॉर एन बिट रजिस्टर वी नीड एन फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब अगर हम लोग को एन बिट रजिस्टर बनाना है, मतलब एन बिट डेटा स्टोर करना है, तो एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, ओके। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओके, क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर, जो रजिस्टर का एप्लीकेशन उसके आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन द रजिस्टर आर ऑफ टू टाइप, ठीक। लिखा गया कि एप्लीकेशन के बिहाफ पर जो रजिस्टर है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक। एक हम लोग क्या लिखे हैं, शिफ्ट रजिस्टर लिखे हैं, और दूसरा क्या लिखे हैं, स्टोरेज रजिस्टर, ठीक। ये क्या करेगा, डेटा स्टोर करेगा, और शिफ्ट रजिस्टर, आपको शिफ्ट वर्ड से क्लियर है, शिफ्टिंग करना मतलब क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकता है, राइट हैंड साइड में भी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब डेटा के मूवमेंट को, मतलब इसमें क्या होगा, डेटा का मूवमेंट होगा, ओके, क्लियर। अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो शिफ्ट रजिस्टर है इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। ये हम लोग सिलेबस में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। हम देखिए क्या लिखे हैं, शिफ्ट रजिस्टर के बारे में यहां लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखिए लिखे हैं कि शिफ्ट रजिस्टर्स, यहां देखिए शिफ्ट रजिस्टर आर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट आर राइट, ठीक। जो शिफ्ट रजिस्टर होगा वो क्या करेगा, इसमें जो डेटा है उनको क्या करेगा, डेटा को हम लोग क्या कहें, ये क्या है, एक जो लिखा गया एक डिजिट, इसको बिट कहेंगे, ठीक। तो जो शिफ्ट रजिस्टर होगा वो क्या करेगा, ये जो बिट है इनको राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, क्लियर। तो ऐसा रजिस्टर जो क्या करता हो, डेटा को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हो, उसको हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे, ठीक। तो देखिए सिंपली एक लाइन लिख दिया गया कि शिफ्ट रजिस्टर आर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट आर राइट, क्लियर। कैसे शिफ्ट होता है ये चीज आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए डेटा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा का मूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ऐसे देखिए ना, यहाँ क्या है, जैसे चार बिट है तो चार फ्लिप फ्लॉप की हम लोग को क्या होगी, जरूरत होगी, ठीक। अब क्या होगा, जब डेटा क्या है, जैसे 1010 ऐसे मान लीजिए स्टोर किया, ठीक। अब डेटा को क्या करना है, इसके मूवमेंट को, डेटा का मूवमेंट कराना है, ठीक, मतलब डेटा को क्या करना है, शिफ्ट करना है। जैसे क्या होगा, जब शिफ्ट होकर आगे बढ़ेगा तो ये क्या है, इसी को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक। ये क्या करेगा, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्या करेगा, जो डेटा है वो क्या होगा, ट्रांसफर होते हुए से आगे बढ़ेगा, या इधर से आके ऐसे आगे बढ़ सकता है, ठीक। तो वही ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप लिखा गया, ठीक। अभी आगे कुछ देर में और ये लाइन क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, जो शिफ्ट रजिस्टर है उसका जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन ऑपरेशन एंड मोड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज गिवन बिलो, ठीक। अब जो शिफ्ट रजिस्टर का क्लासिफिकेशन है, उसके ऑपरेशन और उसके मोड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक। तो नीचे जगह है नहीं, तो ऊपर पहले लिखेंगे फिर समझाएंगे और फिर अच्छे से ये सब चीजें आपको बताएंगे।
देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में जो सबसे नीचे वाला लाइन हम लोग देखे थे, वहाँ पर लिखा गया था कि जो शिफ्ट रजिस्टर होगा वो दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक क्लासिफिकेशन उसके ऑपरेशन के आधार पर होता है और दूसरा क्लासिफिकेशन उसके इनपुट और आउटपुट मोड के आधार पर होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखने चल रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेशन। ठीक, इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ डेटा मूवमेंट। ठीक, तो जैसे आपको मन करेगा वैसे लिख दीजिएगा। ठीक, ये जो ऑपरेशन वाला क्लासिफिकेशन है ये वास्तव में किस डायरेक्शन में डेटा का मूवमेंट हो रहा है शिफ्ट रजिस्टर द्वारा उसके आधार पर किया गया है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखे हैं शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। ठीक, इसमें क्या होगा, जो डेटा होगा उसको लेफ्ट में क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, दूसरा क्या होगा इसमें, शिफ्ट राइट रजिस्टर, इसमें जो डेटा होगा उसको क्या किया जाएगा, राइट में शिफ्ट किया जाएगा। और ये देखिए क्या लिखा है, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, मतलब क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, डेटा को शिफ्ट करेगा। ठीक, तो उसके डायरेक्शन के आधार पर किस डायरेक्शन में डेटा के शिफ्टिंग का काम हो रहा है उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर तीन पार्ट में बटा हुआ है, तीन पार्ट में क्या है, क्लासिफाई है। बात समझ में आया, शिफ्ट रजिस्टर का ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, उसके ऑपरेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन है। ऑपरेशन मतलब क्या, किस डायरेक्शन में डेटा का मूवमेंट हो रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में डेटा शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो अगर लेफ्ट साइड में डेटा शिफ्ट होगा शिफ्ट रजिस्टर द्वारा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। अगर क्या होगा, राइट साइड में क्या किया जाएगा, डेटा को शिफ्ट किया जाएगा रजिस्टर द्वारा, तो उसको हम लोग कहेंगे शिफ्ट राइट रजिस्टर। और अगर क्या है, बाई डायरेक्शनल शिफ्टिंग है, तो उसको हम लोग बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर भी कहेंगे, रजिस्टर उसको कहेंगे, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे। ओके, तो ये तो हो गया उसके ऑपरेशन के आधार पे, अर्थात डेट इज मतलब क्या, अर्थात किसके आधार पे, उसके डेटा मूवमेंट के डायरेक्शन के आधार पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन लिखे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, अब इनपुट और आउटपुट के मोड पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को समझाने के पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बनाता हूँ रजिस्टर एक। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर बना रहे हैं। ठीक, मान ले रहे हैं जो रजिस्टर है चार फ्लिप फ्लॉप को मिला के बना हुआ है। ठीक, पहला फ्लिप फ्लॉप, दूसरा, तीसरा, चौथा बना हुआ है। ठीक, अब देखिए जो हम लोग का डिजिटल सिस्टम है उसके पास डेटा जो है वो दो तरीके से मिल सकता है, एक सीरियल डेटा उसको मिल सकता है या एक पैरेलल डेटा मिल सकता है। ठीक, तो देखिए अगर मान ले रहे हैं कि हम लोग का डेटा क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप वन में क्या कर रहा है, इधर इंटर कर रहा है, और क्या हो रहा है, इधर से हम लोग को अगर आउटपुट मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सीरियल इनपुट, और इसको क्या कहेंगे, सीरियल आउटपुट। ठीक, बात समझ में आया, इसको क्या कहेंगे, सीरियल इनपुट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सीरियल आउटपुट कहेंगे। ठीक, क्लियर। अगर देखिए डेटा जो हम लोग का है वो रजिस्टर में क्या आ रहा है, सीरियल आ रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, पैरेलल फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट कहेंगे। क्लियर, क्या बताए हैं कि जो डिजिटल सिस्टम में जो डेटा है वो दो तरीके से मिल सकता है, एक सीरियल फॉर्म में मिल सकता है, एक पैरेलल फॉर्म में मिल सकता है। ठीक, अब देखिए अगर डेटा हम लोग को सीरियल फॉर्म में मिल रहा है और वो सीरियल वाइज क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जैसे पहले से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से चौथे में गया, फिर चौथे से बाहर निकला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट क्या कर देंगे, शिफ्ट रजिस्टर कर देंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया, पहला सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीसो कहते हैं। ये क्या है, यस इसका लिया गया है, आई किसका है, इसका, और फिर देखिए यस किसका है, इसका है, और फिर ओ ये है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। क्लियर, अब देखिए जो हम लोग का सीरियल डेटा था, जो सीरियल इनपुट है वो क्या हो सकता है, पैरेलल फॉर्म में भी बाहर निकल सकता है। ठीक, ऐसे पैरेलल फॉर्म में भी क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट कर देंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। क्लियर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस आई पी ओ भी कहते हैं, मतलब सीरियल इनपुट और ये क्या है, पैरेलल आउटपुट। ठीक, तो यस क्या है, किसके लिए है, सीरियल के लिए है, आई किसके लिए है, इनपुट के लिए, पी किसके लिए है, पैरेलल के लिए, ओ किसके लिए, आउटपुट के लिए। ठीक, तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीपो कहते हैं। क्लियर, इसी क्या कहेंगे, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब जो डेटा हम लोग का, ये तो सीरियल हुआ, अभी बताएं कि डेटा हम लोग का पैरेलल फॉर्म में मिल सकता है। ठीक, तो मान लीजिए डेटा जो है हम लोग का वो क्या हो रहा है, पैरेलल फॉर्म में से क्या हो रहा है, रजिस्टर के पास पहुंच रहा है, मतलब सिस्टम जो डेटा है वो क्या हो रहा है, पैरेलल फॉर्म में क्या हो रहा है, इनपुट मिल रहा है। ठीक, पैरेलल इनपुट
क्या हो रहा है, सिस्टम को हम लोग को मिल रहा है, मतलब डेटा पैरेलल फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तब जो पैरेलल फॉर्म में डेटा है ये सीरीज वाइज क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है या पैरेलल वाइज भी बाहर निकल सकता है। ठीक, तो जब ये डेटा हम लोग का इसमें इंटर करेगा पैरेलली और सीरीज वाइज बाहर निकलेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पैरेलल इनपुट सीरीज आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, इसी को PISO भी कहते हैं। पी मतलब यहाँ पैरेलल से लिया गया है, आई इनपुट का पहला और यस जो है सीरियल का पहला है और ओ जो है वो क्या आपका इसका आउटपुट का पहला लेटर लिखा गया। ठीक, इसी को हम लोग PISO भी कहते हैं। क्लियर हुआ चीज। अब देखिए ये तो होगा पैरेलल इनपुट आ रहा है, सीरीज आउटपुट निकल रहा है। अब जो पैरेलल डेटा है वो पैरेलल फॉर्म में बाहर निकल सकता है, तो जब पैरेलल फॉर्म में डेटा आएगा इंटर करेगा और पैरेलल फॉर्म में बाहर निकलेगा रजिस्टर से, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर कर देते हैं। उसको हम लोग पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर का नाम देते हैं। ओके, अब इसी से देखिए क्या है, पी को यहाँ लिख दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में, आई को यहाँ लिख दिया गया है, फिर इस पी को यहाँ लिख दिया गया है और फिर इस ओ को यहाँ लिख दिया गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीपो कहते हैं। ओके, अब देखिए जो सबसे लास्ट टाइप इसमें लिखे हैं ये क्या हम लोग का है, पांचवा नंबर, ये क्या है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ये क्या लिखा गया है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, तो इसमें देखिए क्या होगा, ऐसे शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, ऐसे शिफ्ट रजिस्टर में जो डेटा है वो क्या होगा, पैरेलल इनपुट आएगा पैरेलल आउटपुट निकलेगा, साथ ही साथ सीरियल इनपुट आएगा और सीरियल आउटपुट, मतलब डेटा जो होंगे पैरेलल फॉर्म में आएंगे पैरेलल फॉर्म निकलेंगे, सीरियल फॉर्म में आएंगे सीरियल फॉर्म में क्या होंगे बाहर निकलेंगे। ठीक, तो ऐसा रजिस्टर जो क्या कर रहा हो, पैरेलली डेटा को ले रहा हो पैरेलली आउटपुट दे रहा हो साथ साथ सीरियल इनपुट आ रहा हो सीरियल आउटपुट मिल रहा हो, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के कैटेगरी में क्या करते हैं, रखते हैं। क्लियर, जब अलग अलग फंक्शनिंग है तो ये चार टाइप बना दिए, और क्या होगा जब सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट और साथ साथ पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट हम लोग को मिलने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कर देंगे। ठीक, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसका टेंशन ना लीजिए, जब आप MSc में जाएंगे तो वहां इस चीज को पढ़ना है, MSc फिजिक्स अगर करेंगे तो वहां यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर को आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वजह से डिटेल में हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो SISO है CISO इसको पढ़ना है। ठीक, इसको हम लोग को पढ़ना है, फिर इसको हम लोग को पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है और फिर ये चौथा पढ़ना है। ठीक, ये चारों टाइप हम लोग को पढ़ना है। ओके, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, साथ साथ इसमें देखिए ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये दोनों क्या करना है आपको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए जब सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर स्टार्ट करेंगे तो अगर डेटा हम लोग का क्या है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से इंटर कर रहा है और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, शिफ्ट राइट रजिस्टर कर देंगे। ठीक, और अगर सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट फॉर्म में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर, उसको हम लोग नाम दे देंगे। ठीक, तो ये जो दोनों फीचर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी में इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बताया है कि हम लोग का रजिस्टर है, अगर इसमें डेटा सीरियल इनपुट में आ रहा है और आउटपुट जो है वो भी क्या हो रहा है, सीरियल में मिल रहा है, और अगर डेटा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग का क्या है, राइट शिफ्ट रजिस्टर है, साथ ही साथ इसमें क्या है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो आप चाहें तो अगर डेटा हम लोग का जब राइट हैंड साइड में क्या होगा, शिफ्ट होगा और सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट मिल रहा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, और डेटा अगर हम लोग का क्या हो रहा है, इधर से इंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, डेटा क्या है, लेफ्ट में शिफ्ट होता चला जा रहा है। ठीक, तो अगला हेडिंग जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, SISO होगा। ठीक, बाकी ये सब आपको आगे आने वाले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, देखें स्टूडेंट, अब हम लोग सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट लिखे हैं, यहाँ पर क्या करिए, SISO लिख दीजिए और उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर लिख दीजिए, या किसी किसी बुक में ये पूरा लिख के आगे SISO लिखा है। ठीक, तो जैसे आपको मन करेगा वैसे इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, दो तरीके का शिफ्टिंग हो सकता है,
दो तरीके की शिफ्टिंग हो सकती है, एक हम लोग डेटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जब हम लोग डेटा को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर। और यदि डेटा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसका क्या नाम लिखेंगे, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, क्लियर, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में डेटा को शिफ्ट करना होगा तो यहाँ पे राइट वर्ड ऐड कर देंगे। ठीक, और एक चीज SISO मन करें यहाँ लिखिए चाहे वहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अगर यहाँ पे SISO लिखेंगे तो इसके बाद आप लेफ्ट में अगर ट्रांसफर करना होगा तो लेफ्ट लिखिएगा और राइट में ट्रांसफर करना होगा तो इसको लिखने के बाद यहाँ पे राइट वर्ड लिख के फिर शिफ्ट रजिस्टर लिखिएगा। चीजें क्लियर, क्लियर ना, या मन करे तो इसको लास्ट में लिखिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट जैसे आपको मन करे वैसे लिख लीजिएगा। क्लियर, अब देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करने चल रहे हैं, 4-bit बाइनरी डेटा को स्टोर करेंगे और उसको ट्रांसफर करके देखेंगे कैसे ट्रांसफर वगैरह होता है। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ, ये फिगर क्या है, 4-bit SISO राइट शिफ्ट रजिस्टर, मतलब ये क्या है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें हम लोग 4-bit को डील करने चल रहे हैं। ठीक, क्लियर, तो देखिए क्या किए हैं, 4 flip-flop ले लिए हैं। ठीक, एक फ्लिप फ्लॉप ये हम लोग का, ठीक, इसको ए ऐसे लिख दे रहे हैं, ये क्या है बी लिख दे रहा है, इसको सी लिख दिए और ये क्या हम लोग का डी, ये 4 हम लोग का क्या है फ्लिप फ्लॉप है, आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक, इनको आपस में क्या किए, सीरियली कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए यहां पे क्या दिए हैं, एक इनपुट दिए हैं। ठीक, अब जब डेटा को हम लोग को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है तो लेफ्ट में हम लोग इनपुट देंगे और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, आउटपुट लिखेंगे। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या लिए हैं, डी फ्लिप फ्लॉप लिए। ठीक, हम लोग देखे थे कि डी फ्लिप फ्लॉप डेटा स्टोरेज वगैरह के काम में आता है, साथ ही साथ क्या है, इसमें हम लोग को बस सिंगल इनपुट वगैरह देना पड़ता है। ठीक, इस वजह से यहां पे हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, अगर आप चाहें तो जेके फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे क्या किया है, ये यहाँ पे D3 Q3 लिख दिए हैं। ठीक, ये क्या है, इसका इनपुट, ये आउटपुट, और यहाँ पे देखिए क्लॉक लगाए हैं। ठीक, और यहाँ पे इनपुट लिखे हुए हैं। ओके, अब इसका जो आउटपुट Q3 होगा वो दूसरे वाले के C वाले के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ऐसे ही जो इसका आउटपुट क्या होगा, Q2 होगा, वो B वाले के लिए इनपुट हो जाएगा। ऐसे ही जो इसका आउटपुट Q1 होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आपस सबको क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ठीक, ऐसे पीछे हम लोग लॉजिक ब्लॉक डायग्राम जो था उसको देखे थे ना, ऐसे क्या था, डी था, इधर क्या था, क्यू था, और यहाँ क्या करते थे, क्यू बार भी लगाते थे, क्यू बार लगाने वगैरह की जरूरत नहीं है, और यहाँ क्या करते थे, क्लॉक लगाते थे। ठीक, तो देखिए सेम वैसे ही बनाया गया, बस जैसे नंबरिंग किया गया है, इसको 0-0 लिख दिया गया, इसको 1-1, इसको 2-2, इसको 3-3 लिख दिया गया है। ठीक, अब देखिए सबको क्या किया है, एक क्लॉक से जोड़ दिए। ठीक, तो पीछे सिंपली हम लोग क्लॉक बनाते थे, आज क्लॉक हम लोग ऐसे बनाए हैं और फिर क्या किए, ऐसे इसमें लगाए। ठीक, तो ये बबल क्या होता था, निगेटिव सेंस देता, और ऐसे जब बनाया गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिगरिंग। ठीक, यहां पे क्या है, नेगेटिव है, यहां पे क्या है, ट्रिगरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, मतलब जब हम लोग का क्लॉक क्या होगा, 1 से 0 पे आएगा तब क्या होगा, वो ट्रिगर करेगा, मतलब उस टाइम हम लोग का फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, काम करेगा। ओके, उस टाइम क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पीछे बताया भी थे कि जो क्लॉक है, ऐसे क्लॉक बना हुआ है, तो क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल, इसको क्या कहते हैं, लो लेवल, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और 0 से 1 पे अगर जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्टिकरिंग, और 1 से 0 पाते तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्टिकरिंग। ठीक, तो यहां पे जो मैं क्लॉक लगाया हूं ये क्या है, नेगेटिव एज स्टिकरिंग का क्लॉक है। ओके, नेगेटिव स्टिकरिंग क्योंकि बबल लगा हुआ, अगर सिंपली ऐसे लगा होगा आपके बुक में ये क्या होगा, पॉजिटिव स्टिकरिंग होगा। ठीक, तो आप उसको पॉजिटिव स्टिकरिंग से भी बना सकते हैं, नेगेटिव स्टिकरिंग से भी बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए सभी को क्या किए, जितने भी यहां फ्लिप फ्लॉप हैं सबके क्लॉक को क्या किए, एक साथ क्या किए, कनेक्ट कर दिए हैं और वहां से एक सिंगल इनपुट सीएलके क्या किए, लिख दिए। ठीक, ये सीएलके क्या आपका क्लॉक इनपुट है। ओके, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो चारों क्लॉक है, मतलब चारों फ्लिप फ्लॉप के जो क्लॉक है वो एक साथ कॉमन क्लॉक से कनेक्ट है, मतलब जो यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा वो चारों पे क्या होगा, एक साथ जाएगा। ठीक, जिसको हम लोग सिंक्रोनस भी कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का फ्लिप फ्लॉप है ये सिंक्रोनस वे में क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे ही क्लॉक इस पे जाएगा वो चारों पे क्या होगा, चला जाएगा। ठीक, एक बार मैं देख लूँ पूरा आ तो रहा है, ठीक है, पूरा हरा है। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही ये इनपुट देंगे चारों क्या होगा, एक साथ जाएगा। ओके, इतना चीज क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करने चल रहे हैं, ये 4-bit का डेटा है, इसको चल रहा है इसमें स्टोर कराने और ट्रांसफर करके देखने चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए 4-bit का डेटा है, मतलब 4 flip-flop की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए 4 flip-flop लिए हैं। क्लियर, एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दूसरे के इनपुट से क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, इनिशियली मान ले रहे हैं कि जो हम लोग का जो क्लॉक एज है वो क्या है, 0 है।
ठीक, इनिशियली, या इसको ना लिखे तब भी काम चल जाएगा। इनिशियली जो कंडीशन हम मान ले रहे हैं कि जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था कुछ नहीं था, और यहाँ पे क्या है जो आउटपुट है हम लोग का वो क्या था, 0 0 0 था। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, आउटपुट को सिंपली Q3 Q2 Q1 Q0 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये इनिशियल कंडीशन है जब क्लॉक अगर हम लोग नहीं लगाए थे, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए अब क्या करने जा रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं इस किस में, शिफ्ट रजिस्टर में। ओके, इसमें स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो LSB होगा इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला LSB, ये क्या होगा MSB होगा। क्लियर, तो टेबल में देखिए सब कुछ लिखे हैं, क्लॉक एज लिखे हैं, और यहाँ पे D3 D2 D1, ये LSB है, ये MSB है, और ऐसे आउटपुट का ये क्या LSB है और ये क्या MSB है। ठीक, ऐसे सब कुछ लिख लिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इस पे क्या होगा, एक सिंगल इनपुट जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए, 1 को क्या करना है इसमें भेजना है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल पे क्या करना है, 1 को इसमें भेजना है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जो हम लोग का इनपुट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अभी तक सब कुछ 0 0 हम लोग लिखे थे, अब इनपुट क्या कर दिए 100 लिखे हैं। ठीक, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग टेबल मिल सकता है। ओके, तब देखिए 100 कर दिए। ठीक, मतलब जो D3 था उस पर हम लोग D in जो है वो क्या 1 अप्लाई कर रहे हैं, तो D3 पे क्या होगा 1 मिलेगा। और आपको पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है कि जो इसके इनपुट पे जाएगा वही आउटपुट पे मिलेगा, इसका मतलब Q3 पे क्या हो जाएगा हम लोग को 1 मिल जाएगा। ठीक, तो Q3 पे क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा, और ऐसे देखिए ये क्या है 0 0 बना रहेगा। क्लियर, तो ऐसे हम लोग को Q3 पे 1 मिल गया। अब देखिए टाइमिंग डायग्राम से भी समझिए, यहां देखिए क्लॉक बनाए हुए हैं, ये देखिए क्या है नेगेटिव स्टेगरिंग है, जब 1 से 0 पा रहे हैं तो उसको नेगेटिव स्टेगरिंग कहेंगे। ठीक, तो देखिए क्या था, अभी तक जो इनिशियली था जब हम लोग का क्लॉक ऐसे कर सकते हैं, इनिशियली जब था हम लोग का, तो Q3 Q2 Q1 Q0 सब के सब क्या थे, 0 पे थे। ठीक, क्लियर, जिस तरह हम लोग क्लॉक वगैरह को ध्यान नहीं दे रहे थे तब क्या था हमारा, ये ऐसा था। अब हम लोग क्लॉक का क्या किए, नेगेटिव ट्रिगरिंग ले रहे हैं। ठीक, ये क्या है, फर्स्ट नेगेटिव ट्रिगरिंग है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो Q3 है वो आपका क्या हो जाएगा, लो से हाई हो जाएगा। ठीक, पहले Q3 जीरो था, अब लो से क्या हो गया, हाई हो गया। क्लियर, और अभी ये सब जो है ये क्या है, लो पे बने हुए हैं। ठीक, ये देखिए सब क्या है, लो पे बने हुए हैं। ओके, ऐसे चलिए सबको मिला देते हैं, डॉटेड लाइन जैसे मिला देते हैं, आपको समझने में थोड़ा सा और आसानी होगा। ठीक, ये डॉटेड लाइन है, ठीक ना, बस दिखाने के लिए किस क्लॉक एज पे किसके साथ क्या हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे ही हम लोग फर्स्ट क्लॉक दिए हैं, देखिए फर्स्ट यहाँ लिखे हैं, तुरंत क्या होगा, जो D3 है उस पर 1 आएगा, इसका मतलब Q3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वजह से Q3 जो अब तक 0 था उसको हम लोग ऐसे ऊपर पहुँचा दिए, मतलब हाई लेवल पे चले गए। ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे हम लोग बनाते हैं, तो इसको क्या ऐसे आइए इधर आइए, देखिए ये क्या होता है, ये जो ऐसे जब बनाया जाता है ये क्या होता है, 0 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। ठीक, तो ये क्या था, 0 था, अब ऊपर उठा दिए तो ये हम लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, अब देखिए जो चेंजेस इसमें होंगे अब वो अगले क्लॉक पे होगा, बीच में कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला है। ठीक, यही समझने का पॉइंट है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसमें बीच में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, फिर जब अगला नेगेटिव स्टेगरिंग आएगा तभी इसमें चेंज होगा। ठीक, ये क्या आपका सेकेंड स्टेगरिंग है, ये क्या है थर्ड क्लॉक है, या थर्ड स्टेगरिंग, ये क्या है फोर्थ स्टेगरिंग है। ठीक, तो अब देखिए क्या कहे हैं कि फर्स्ट क्लॉक दिए हैं तो ये 1 हो गया, बाकी सब के सब क्या है 0 पे बने हुए हैं। ठीक, तो अब इसमें चेंज कब आएगा, दूसरे ट्रिगरिंग पे चेंज आएगा, मतलब जो वैल्यू 1 था वो यहां तक 1 बना रहेगा, जो वैल्यू 0 था वो यहां तक 0 बना रहेगा, जो भी वैल्यू जिस कंडीशन में था वो अगले क्लॉक पल्स तक वहां तक वही वैल्यू पे बना रहेगा। ठीक, अब देखिए क्या करने चल रहे हैं, अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, इसमें 0 को इंटर कराने चल रहे हैं, मतलब डीन अब दूसरा जो ये बिट है 0 इसको इंटर कराने चल रहे हैं, और सेकेंड क्लॉक पल्स अब हम लोग चल रहे हैं लगाने। ठीक, सेकेंड क्लॉक पल्स क्लॉक पल्स चलने लगाने। ठीक, तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ दूसरे बिट को जब इंटर करेंगे तो ये हम लोग का 0 यहाँ पे आएगा, तो जब डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 हो गया। ठीक, और इस दरमियान देखिए सेकेंड क्लॉक पल्स पे क्या होगा, इसके लिए जो इनपुट है वो क्या था, 1 था, इनिशियली तो सबके लिए 0 0 था, लेकिन पहले क्लॉक पल्स के बाद जब हम लोग दूसरा क्लॉक पल्स लगा रहे हैं तो इस वाले जो सी नंबर वाला फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए इनपुट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे जो इसका आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब 1 इसके इनपुट में जाएगा। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो Q2 है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब बाकी ये जो दोनों हैं ये अभी भी 0 0 बने रहेंगे। तो आइए चलिए अब इस चीज को हम लोग टेबल में देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लॉक
पल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, मतलब दूसरा नेगेटिव स्टिंगिंग हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस दरमियान क्या हो जा रहा है, D3 पे हम लोग को जीरो मिल रहा है। ठीक, D3 पे हम लोग को जीरो मिल रहा है, लेकिन D2 पे हम लोग को अब क्या हो रहा है, 1 इनपुट मिल रहा है। जो पहले वाले का आउटपुट था, अब वो इसके लिए इनपुट होगा, तो D2 पे हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी इस पे अभी भी क्या है, D1 और D0 अभी भी क्या है, 0-0 बना हुआ है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, तो Q3 क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया। Q3 क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया। अब Q2 क्या हो गया हम लोग का, 1 हो गया। और साथ साथ Q1 और Q0 अभी भी क्या है, 0-0 बना हुआ है। इतना चीज क्लियर। अब चलिए टाइमिंग डायग्राम पे आते हैं। तो देखिए जैसे दूसरा हम लोग का क्या होगा, क्लॉक पल्स आएगा, तुरंत क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आपका वैल्यू 1 था Q3 का, अब वो क्या हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा। और जो Q2 का वैल्यू 0 था, अब वो क्या होगा, 1 पे चला आएगा। ठीक, अब वो 1 पे चला आएगा। ओके, बाकी दोनों अभी भी 0-0 बने रहेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगले यहाँ जो अगला क्लॉक पल्स है वहाँ तक क्या होगा, जो भी वैल्यू जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में पड़ा रहेगा। ठीक, तो ये 0 था, यहाँ 0 आ गया था, तो 0 यहाँ तक पड़ा रहेगा। और ये 1 आ गया था, तो यहाँ तक 1 पड़ा रहेगा। और ये दोनों अभी भी 0 तक पड़े रहेंगे। ठीक, ये दोनों अभी भी क्या रहेंगे, 0 तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। ओके, अब देखिए क्या करने चलना है, अब हम लोग इसमें तीसरा बिट जो 1 है उसको इंटर कराने चलना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब देखिए जब तीसरा बिट इंटर कराने चलना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अब ये 1 जब यहाँ पे जाएगा तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट जाता है वही आउटपुट होता है। ओके, अब देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, पहले देखते हैं इस वाले का इनपुट क्या होगा। तो जो पिछला का आउटपुट था वही इसका इनपुट होगा। तो पिछले का आउटपुट क्या था, 0 था, तो वही क्या हो जाएगा, इसका इनपुट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 जब इसमें इंटर करेगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे बिट 1 को इंटर कराएंगे, तब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, इस सी नंबर फ्लिप फ्लॉप के लिए जो पिछले वाले का आउटपुट था इसका इनपुट होगा। तो पिछले इसका आउटपुट क्या था, 0 था, तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा, 0। तो आउटपुट क्या दे देगा, Q2 0 दे देगा। क्लियर। अब बी के लिए देखिए क्या होगा, पिछला इनपुट क्या था, 1 था, तो ये 1 इसमें जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, Q1 1 हो जाएगा। ओके, और ये अभी भी क्या रहेगा, 0 पे बना रहेगा। ठीक, तो अब देखिए इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, तीसरे क्लॉक पल्स पे क्या होगा, तीसरे क्लॉक पल्स पे D3 क्या है आपका, 1 हो गया है। D3 क्या है, 1 हो गया है। D2 क्या है, 0 हो गया है। D2 को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। D1 को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और अभी भी D0 जो है वो 0 पे बना हुआ है। ठीक, इसे समझिएगा, अभी भी D0 जो है वो 0 पे बना हुआ है। ठीक, अब देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आउटपुट इसका क्या हो जा रहा है, 1 मिल रहा है। इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और इसका अभी भी 0 बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, 1, ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, बात समझ में आया, या ऐसे देखिए 1 0 1 0 ऐसे हो गया। ठीक, अब चलते हैं टाइमिंग डायग्राम पे। ठीक, तो देखिए जब तीसरा क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से चेंज होना अब शुरू होगा। तो देखिए Q3 क्या हो गया आपका, 1 हो गया, मतलब अभी तक वो 0 था, अब यहाँ से उठना शुरू हो गया, 1 हो गया। अब जो Q2 था वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो Q2 देखिए 1 था, अब ये क्या हो जाएगा, 0 पे चला गया, ऐसे नीचे आ गया। ठीक, अब देखिए Q1 जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ ऊपर आ गया। ठीक, ये 1 पे पहुँच गया। और जो आपका Q0 है वो अभी भी क्या है, 0 पे बना हुआ है, वो अभी तक देखिए क्या है, 0 पे बना हुआ। ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, चूंकि एक क्लॉक पल्स में क्या होता है, एक ही के पास पहुंचता है, तो जो हम लोग 3 लगा दिए हैं तब 3 तक क्या होगा, इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। अब जब चौथा लगाएंगे तब इसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, तब इसके आउटपुट में क्या होंगे, चेंजे जाएंगे। ठीक, इस वक्त देखिए 3 क्लॉक पल्स तक क्या है, ये आपका अभी भी क्या है, यहीं 0 पे मेंटेन है। ओके, अब देखिए अगला चेंज कब आएगा, जब हम लोग का अगला नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू जहां पे है वहां तक क्या होगा, अगले क्लॉक पल्स तक बना रहेगा, वहां तक क्या होगा, अगले क्लॉक पल्स तक बना रहेगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या करने चलना है, अब जो चौथा बिट है इसको हम लोग चलना है स्टोर करने। चौथा बिट क्या हम लोग का, 1 है, इसको चलना है स्टोर करने। ओके, चौथा बिट जो 1 था उसको हम लोग स्टोर करने चलना है। क्लियर, अब देखिए इस 1 को जब हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, D3 पे 1 जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। क्लियर,
अब फिर देखिए इस D2 के लिए इनपुट क्या होगा, जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट था, प्रीवियस स्टेट का आउटपुट क्या था, 1 था, तो वो अब इसके लिए इनपुट होगा। तो जब D2 में इनपुट 1 आएगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 निकल के जाएगा, आउटपुट क्या होगा, 1 निकल के जाएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए यहां पर D1 के लिए क्या इनपुट होगा, D1 के लिए इनपुट जो पिछला इनपुट था वही आएगा, ठीक, जो पिछला आउटपुट था वो इसके लिए क्या होगा, इनपुट आएगा। तो D1 के लिए 0 आएगा, इसका मतलब यहां से जो आउटपुट होगा वो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये इनपुट हो जाएगा पिछला आउटपुट, तो ये जब इसमें जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या क्या हम लोग को यहां से मिल रहा है, तो यहां से देखिए हम लोग को क्या है, जो Q3 है वो 1 मिल रहा है, क्लियर, और जो आपका ये Q2 है ये भी 1 मिल रहा है, लेकिन जो Q1 है वो 0 मिल रहा है, और जो Q0 है वो क्या हो रहा है, 1 मिल जा रहा है, ठीक। तब देखिए यहां से चलिए इस चीज को लिखते हैं, तो देखिए इस पे क्या हो रहा है, D1 चौथे क्लॉक साइकिल पे क्या हो रहा है, D3 पे हम लोग को 1 मिल रहा है, चौथा बिट आ जा रहा है, ठीक। D2 पे क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है, D2 क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है, और साथ ही साथ जो D1 है उस पे क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है, D1 पे क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है, और जो हम लोग का D0 है इस पे क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक, D0 पे 1 मिल रहा है, ठीक। पिछला आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, और बाकी जो आउटपुट है वो क्या निकल के आ रहा है, तो देखिए यहां पे क्या है, ये आपका 1 निकल के आया है, फिर देखिए यहां पे क्या है, ये आपका 1 निकल के आया है, फिर देखिए यहां पे क्या हुआ, 0 निकल के आया है, और फिर यहां पे क्या हुआ, 1 निकल के आया है, ठीक। ये देख रहा है ना, जो पिछले आउटपुट होगा प्रेजेंट टाइम में वो 1101 निकल के आया है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए क्या है, जो हम लोग डेटा था उसको क्या किए, स्टोर कर लिए, ठीक। ये जो डेटा है ये देखिए क्या है, ऐसे क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक। ये हम लोग का वैल्यू था, ये हम लोग वैल्यू क्या कर लिए, ये जो वैल्यू दिए थे इसको यहां पे देखिए आउटपुट में क्या किए, पूरा का पूरा चार साइकिल में पहुंचा दिए, ठीक। अब देखिए चौथे साइकिल पर क्या क्या चेंज होगा, तो देखिए ये क्या है, क्यू थ्री अभी भी 1 है, इसको हम लोग चौथे साइकिल के बाद ही 1 बनाए रहेंगे, लेकिन क्यू टू क्या है, 1 है, यहां पे पीछे क्या था, 0 था, तो क्यू टू को क्या करेंगे, यहां से उठा के 1 पे पहुंचा दिए, ठीक। आगे पांचवें साइकिल तक ये 1 बना रहेगा। अब देखिए क्यू वन आपका 1 था, उसको हम लोग 0 बना देंगे, क्यू वन 1 था इसको 0 बना दिए, और क्यू जीरो क्या था, 0 था, उसको क्या करेंगे, 1 बना देंगे, इसको 1 बना दिए। अब ये सब पांचवें साइकिल तक एज इट इज क्या रहेंगे, बने रहेंगे, पांचवें साइकिल तक एज इट इज क्या रहेंगे, ये बने रहेंगे, ओके, क्लियर। तो देखिए ये क्या देख रहे हैं आप, यहां से देखिए धीरे धीरे ये 1 क्या है, ये जो डेटा है ये देखिए 1 पहले यहां था, धीरे धीरे क्या हो गया, ये शिफ्ट होते हुए राइट हैंड साइड देखिए क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। यहां से देखिए ऐसे क्या आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक। ये देखिए क्या, 0 का शिफ्टिंग हुआ, ये देखिए क्या, 1 का शिफ्टिंग हुआ, ठीक। ऐसे क्या हो रहा है, ये राइट हैंड साइड में जो डेटा है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्लियर। अब देखिए हम लोग ये क्या किए, 4 क्लॉक लगा, हम लोग इस डेटा को क्या किए, स्टोर कर दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को बता रहा हूं, 4 क्लॉक लगा, हम लोग डेटा को स्टोर कर दिए। अब देखिए ये तो डेटा स्टोर करने के लिए 4 क्लॉक हम लोग को लगा, 4 क्लॉक लगा, लेकिन अभी हम लोग को जो आउटपुट है डी आउट, वहां पे क्यू जीरो जो होगा वही पता चलेगा, तो क्यू जीरो हम लोग को बस 1 अभी मिला है, क्यू जीरो हम लोग को अभी बस 1 मिला है, ठीक। लेकिन बाकी ये 3 इनपुट अभी हम लोग को आउटपुट में नहीं मिले हैं, बाकी ये 3 इनपुट हम लोग को आउटपुट में नहीं मिले हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो फाइनल आउटपुट है वो डी आउटपुट है, इस पे बस अभी हम लोग को 1 मिला है, एलएसबी मिला है, बाकी के 3 हम लोग को नहीं मिले हैं अभी, बाकी के 3 तो अभी बीच में ही है ना, तो उनको भी क्या करना है, बाहर निकालना है, उनको भी क्या करना है, बाहर निकालना है, तो और सारे क्लॉक पल्स इसमें हम लोग को अभी देने पड़ेंगे, ठीक। तो देखिए एक क्लॉक पल्स देने पे एक डेटा राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। तो यहां पे देखिए क्या हम लोग को 1 मिल गया, तो ये 1 हम लोग को यहां मिल गया, ठीक। जब हम लोग 4 साइकिल लगाए तो 4 बिट का डेटा स्टोर हुआ, साथ ही साथ जो एलएसबी था वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया, वो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिल गया, लेकिन बाकी के 3 अभी अंदर फंसे हुए हैं, बाकी के 3 अभी अंदर फंसे हुए हैं, तीन को कैसे हम लोग बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए फिर आगे हम लोग पांचवा क्लॉक छठवां क्लॉक ऐसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग को यहाँ से जानकारी क्या मिल रही है, कि जब हम लोग एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेटा क्या हो रहा है, एक बिट राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक। एक क्लॉक पल्स देने पे एक बिट क्या हो रहा है, वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो देखिए यहां पे जो हम लोग 4 क्लॉक लगाए हैं तो उस दरमियान हम लोग को 1 ऑलरेडी क्या हो गया, बाहर डी आउट पे मिल गया है, ठीक। 1 ऑलरेडी हम लोग को डी आउट में मिल गया, लेकिन अब हम लोग को क्या करना होगा, इन जो बीच में फंसे हुए वैल्यू हैं इनको भी क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, तभी ना हम लोग उसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो हमको क्या पता अंदर क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स देंगे, और यहां से जानकारी क्या है कि एक क्लॉक पल्स देने पर एक डेटा राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है,
ठीक क्लियर। तो देखिए ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, लेफ्ट हैंड साइड में था, चार क्लॉक पल्स हम लोग दिए, फाइनली ये क्या हो गया यहाँ पर चलाया, मतलब चार बिट का ये था, ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड में था, चार क्लॉक पल्स देने पे ये यहाँ पे चला गया, ठीक। तो ऐसे सिंपली समझिए कि हम लोग का डी आउट ऐसे यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे अभी क्या हम लोग को मिला, क्या है 110 और ये क्या है 1 मिला हुआ, ठीक। तो ये 1 डी आउट मिल गया है, बाकी ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ये Q1 है, ये क्या है Q2 है, ये क्या है Q3 है, ठीक। तो ये यहाँ पे मिल गया, ओके। अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को इनका ट्रांसफर करना होगा, इन तीनों डेटा को डी आउट के पास लाना होगा, ठीक। तो अब देखिए जब एक क्लॉक पल्स देंगे तो ये क्या होगा 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। साथ ही साथ उस टाइम क्या होगा, ये जो 1 होगा ये अगले बिट पे आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 होगा ये अगले बिट पे, मतलब यहाँ पे आ गया, क्लियर, ठीक। तो चार हम लोग दिए थे, एक एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये क्या हो गया पांचवा हम लोग का साइकिल हो गया, ये पांचवा साइकिल हो गया, ओके। इस चीज को हटा देने यहां से, ठीक, ये पांचवा हो गया। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम लोग छठवां क्लॉक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 था ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चला आएगा, और ये जो 1 था वो क्या होगा यहाँ पे चला आएगा। देखिए यही केस हो रहा है ना, ये 1 यहाँ पे आया, ठीक, क्लियर। और फिर जब इसको आगे बढ़ाए हैं तो ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर जब इसको आगे बढ़ाए हैं तो ये वाला 0 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या था 0 1 ऐसे था, तो इसको हम लोग को देखना नहीं है, तो आउटपुट में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए इसको, ठीक। तो अब जब एक पाँचवा क्लॉक पल्स लगाएंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही साथ जो 1 है ये क्या होगा, ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए लिखा हुआ, तो एक क्लॉक पल्स हम लोग दिए तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, क्लियर। और अगला जो डेटा था वो आ गया इसमें, जिसमें तो हम लोग आगे अभी डेटा दे नहीं रहे हैं, तो पीछे का इस वजह से खाली उसको छोड़ दिए, पीछे का भी इस वजह से खाली ऐसे छोड़ दे रहे, क्योंकि हम लोग डेटा दे नहीं रहे हैं, हम लोग को तो फंसे हुए डेटा को क्या करना, बाहर निकालना है, ठीक ना। तो ऐसे क्या किए, इसको इधर भेज दिए। अब देखिए 6 क्लॉक पल्स पे ये हम लोग को 101 मिल चुका है। अब एक 7वां क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का 0 0 हो जाएगा, मतलब 7 क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा, ये हम लोग को पूरा का पूरा जो इनपुट दिए थे ये आउटपुट में क्या होगा मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 बिट का डेटा है तो इसको स्टोर करने में कितने टोटल क्लॉक पल्स लगे, तो 4 क्लॉक पल्स लगे, तो हम लोग इसको स्टोर कर लिए, ठीक। लेकिन इस डेटा को यूज में आने के लिए कितने क्लॉक पल्स लगे, तो इसको यूज में लाने के लिए, इस 4 तो लगे थे यहां तक, इसको यूज में लाने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए सबको क्या लगे, 3 लगे, और 3 और हम लोग को यहाँ से लगे, ठीक, दिखाई दे रहा ना। 4 हम लोग लगाए थे तो उस दरमियान बस एक हम लोग का बाहर निकला था, बाकी 3 फंसे थे, तो इनको निकालने के लिए 3 और हम लोग को लगे, क्लियर। तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं, 4-1 लिख सकते हैं, इस 3 को हम लोग 4-1 लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, तो देखिए इस चीज़ को फिर से एक बार समझिएगा, ये क्या है टोटल 4 हम लोग को लगे क्या करने में, स्टोर करने में, ठीक, स्टोर करने में, और फिर यूज करने में, ठीक, और फिर स्टोर लिख दिया, यूज लिख दिया, और प्रोसेस लिख सकते हैं आप, या ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी का दूसरा नाम इसको लिख सकते हैं लोडिंग करने में, ठीक, और ये क्या हो जाएगा रीडिंग में, रीड करने में, और ये क्या हो जाएगा टोटल कितना साइकिल लगे ऐसे पूछता है, ठीक। तो देखिए हम लोग को 4 साइकिल लगे इसको लोड करने में या स्टोर करने में, ठीक, और फिर उसको रीड करने में कितने लगे, 3 एक्स्ट्रा लगे, ठीक। बाहर अभी हम लोग एक ही देख पा रहे थे, उस 4 साइकिल में एक हम लोग को बाहर मिल जा रहा था 4 बिट में से, ठीक, बाकी एक्स्ट्रा हम लोग को 3 बिट और इसको रीड करने में लगे, ठीक। तो यहाँ पर रीड करने में 3 बिट लगे, ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, बात समझ में आया। रीड करने का मतलब क्या कि बाहर डेटा को निकालने में कितने साइकिल लगे, ठीक। तो 4 हम लोग लोड किए, उस दरमियान एक हम लोग रीड कर ले रहे थे, बाकी जो फंसे थे उनको रीड करने के लिए 3 और देना पड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को रीड करने के लिए 3 साइकिल की जरूरत पड़ी। और टोटल कितना साइकिल हम लोग जरूरत पड़ी, स्टोर करने में और यूज करने में, उसी को हम लोग प्रोसेसिंग करना कहते हैं, या लोडिंग और रीडिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, टोटल या प्रोसेसिंग करना कहते हैं, ठीक। तो 4 स्टोर करने में, 3 रीड करने में, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक। ऐसे मान लीजिए अगर 4 की जगह n लिखे तो ये क्या हो जाएगा, n-1, क्योंकि ये तो 4-1 3 लिखा गया है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, तब 2n-1 हो जाएगा, n+1-1 मतलब 2n-1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसमें पुट करेंगे तो 4 2 8-1 7, ये जनरल फार्मूला हो गया। क्या जनरल फार्मूला हुआ कि अगर हम लोग को n बिट डेटा स्टोर करना है, किसमें, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में, तो टोटल हम लोग को क्या लगेगा, n
क्लाक लगेगा उसको लोड करने में, यन माइनस वन क्लाक उसको रीड करने में, और टू यन माइनस वन टोटल क्लाक हम लोग को लगेगा स्टोर करने में और यूज़ करने में, मतलब प्रोसेसिंग में टोटल क्लाक लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके क्लियर। अब थोड़ा सा लिखवा देते हैं कि कैसे लिखना है, और बाकी जो आगे का पार्ट है उसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से उसको ले लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर उसको ले सकते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर को कैसे लिखना है अब उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इन सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, यस आई एस ओ शिफ्ट रजिस्टर द डेटा इंटर्ड एंड रिट्राइव्ड इन सीरियल मैनर। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में जो डेटा इंटर्ड होगा और जो डेटा रिट्राइव होगा, मतलब आउटपुट में लिया जाएगा, वो क्या होगा हम लोग को सीरियल मैनर में मिलेगा। अभी पीछे इसको हम लोग समझे भी थे कि एक एक बिट इंटर हो रहा था और आउटपुट में एक एक बिट क्या होगा बारी बारी से हम लोग को मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक, अब देखिए लिखे हैं कि द फोर बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। अब देखिए फोर बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर दिखाए हैं और लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर आपके लिए असाइनमेंट है, उसको आप बनाइएगा, उसके टाइमिंग डायग्राम बनाइएगा, उसके लिए टेबल को आप बनाइएगा। ओके, वो आपके लिए असाइनमेंट है। लेफ्ट में क्या होगा, डेटा इधर से इंटर कराएंगे और क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डेटा को कलेक्ट करेंगे। राइट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से डेटा को इंटर कराएंगे, राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ फोर डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड सीरियली। अब देखिए सर्किट क्या है, चार डी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट क्या क्या है, कंटेन किया है, जो आपस में क्या है, सीरियल मैनर में कनेक्टेड है। ओके, फिर देखिए आगे लिखे हैं कि ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर निगेटिव स्टिकर। अब जितने फ्लिप फ्लॉप हैं सबको निगेटिव स्टिकर किए हैं, आप चाहें तो पॉजिटिव स्टिकरिंग कर सकते हैं। तो जब पॉजिटिव स्टिकरिंग करेंगे तो यहाँ से चेंजेस पॉजिटिव इस पर लेंगे, ये वाला चेंज नहीं लेंगे, इस पर क्या करेंगे, चेंज लेंगे। ओके, ऐसे क्या करिए, पॉजिटिव स्टिकरिंग करके पॉजिटिव इस पर आप क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर चेंजेस लेने पड़ेंगे। ओके, मतलब उस क्लॉक पल्स पर फ्लिप फ्लॉप को काम कराना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिए लिखा गया है कि द सीरियल डेटा इंटर्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ रजिस्टर एंड इट लीव फ्रॉम द राइट साइड सीरियली। अब देखिए क्या लिखा गया है कि जो सीरियल डेटा होगा लेफ्ट हैंड साइड में इंटर करेगा और सीरियली क्या होगा, राइट हैंड साइड में हम लोग को मिल जाएगा। फिर देखिए क्या लिखे हैं, हियर द फोर डी फ्लिप फ्लॉप आर यूज टू स्टोर फोर बिट इंफॉर्मेशन। चूंकि यहां जो हम लोग चार फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, ये चार बिट इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक, अब चार बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, ईच बाइनरी डेटा इज शिफ्टेड फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू एन अदर फ्लिप फ्लॉप व्हेन ईच फ्लिप फ्लॉप रिसीव अ क्लॉक पल्स। अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक पल्स देते जाएंगे, हर एक क्लॉक पल्स में क्या होगा, जो हम लोग का ये इंफॉर्मेशन है ये क्या होगा, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे शिफ्ट होता चला जाएगा, जिसको हम लोग टाइमिंग डायग्राम से भी देखे थे। ओके, अब इसके आगे इसके फंक्शनिंग को अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके फंक्शनिंग को मैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप भेज दूंगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ओके क्लियर, ये देखिए टाइमिंग डायग्राम आप लिख लीजिएगा कि द टाइमिंग डायग्राम ऑफ एस आई एस ओ राइट शिफ्ट रजिस्टर इज शोन बिलो, ये टाइमिंग डायग्राम आप बना लीजिएगा। क्लियर, मन करेगा तो वाला टेबल ही बना लीजिएगा। क्लियर है ना, तो आज के लेक्चर को आप यहीं फिनिश करते हैं। इसके आगे अगर आपको लिखने का मन होगा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके क्लियर, तो यहीं पे लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आज जो टॉपिक पढ़ाया गया है शिफ्ट रजिस्टर, इसको आप ज़रूर समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।